यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में सोमवार को हुए एक मिसाइल हमले ने दुनिया को हैरान कर दिया। इस मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि ये मिसाइल एक शॉपिंग मॉल पर गिरती है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये मिसाइल गिरी उस समय शॉपिंग मॉल में लगभग 100 लोग मौजूद थे। रूस की यह मिसाइल सोमवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 4 बजे गिरी। इस हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वीडियो में मिसाइल हमले के बाद कई लोग बदहवास हालत में भागते हुए दिखाई देते हैं। शॉपिंग मॉल से आग की खतरनाक लपटें उठती हुई दिख रही हैं। पार्क में मौजूद कई बच्चे भी घबराकर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। रूस की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि जिस शॉपिंग सेंटर में धमाका हुआ वह चालू स्थिति में नहीं था। रूस ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय हथियारों के पास के एक डिपो पर हमला किया था जिससे एक विस्फोट हुआ और उसके चलते मॉल में आग लग गई। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस के इस दावे का खंडन किया है। बीबीसी ने इन दावों की पुष्टि करने की कोशिश की तो पता चला कि जब शॉपिंग सेंटर पर हमला हुआ तब वहाँ कई लोग मौजूद थे। नज़दीक ही रहने वाली एक महिला ने बताया कि वो अक्सर क्रेमेंचुक स्थित शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए जाती रहती थीं।